वेलकम टू द वीडियो। और आज का ब्लॉग हम अभी से स्टार्ट करें, अभी टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं और आज थोड़ा सा मन कर रहा था कि घर में बैठ बैठ के ना, और वैसे ही कोई रेडी नहीं होना, कुछ नहीं होना, इतना ऐसे बोरिंग सा और इस तरह का लग रहा था, तो अपने आप को थोड़ा सा रेडी करके कुछ अच्छा अच्छा फील कराने का मन कर रहा था, इसलिए आज मैंने ये लॉन्ग वाली जो ड्रेस है मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की पूरी लॉन्ग में है ये, तो ये पहन लिया मैंने अच्छा फील कराने के लिए ना अपने आप को। मैंने सोचा कुछ नई सी ड्रेस निकालती हूँ, वो पहनती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी थोड़ा सा और रेडी होना, अभी कुछ मज़ा नहीं आया रेडी होने का, ड्रेस पहनी है बस, और थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए फिलहाल मैं पहनूंगी ये इयर रिंग्स, यहाँ ये वाले हैं एक, और यहाँ फिर है ये वाले, तो नेल पेंट भी नहीं लगाई है, नेल पेंट अप्लाई करूँगी अच्छी सी, ये पहनते हैं। बंद करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ पे निकाल दिया है मैंने अपना मेकअप का पिटारा, और मेकअप के पिटारे में से मुझे चाहिए बिंदी, क्योंकि मैंने पिंक कलर की लगाई है, और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप बिंदी लगाए करो, आप में बिंदी बहुत अच्छी लगती थी, तो उनके कहने पे मैंने बिंदी लगाना स्टार्ट कर दिया फिर से, ज़्यादा बड़ी नहीं लगाती, छोटी सी लगाती हूँ, क्योंकि बड़ी से मुझे थोड़ा सा लगता है फेस अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पे सूट नहीं कर रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे पे बड़ी बिंदी अच्छी लगती है कि छोटी वाली। लगाएंगे लिपस्टिक डार्क, अभी मैंने सिर्फ लिप ग्लॉस जो है कौन सा निविया का जो वो आता ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गई मैं, निविया के लिप बाम आते हैं जो, वो अप्लाई किया बस, और कुछ नहीं, उसका भी कलर अच्छा आ जाता है इस पे, देखो आ मेरे लिप्स का कलर अच्छा लग रहा है, तो बस अभी मैं वो लगाऊंगी लिप कलर जो मैं 9 to 5 लैक्मी के लगाती हूँ, वो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये है वो लिप बाम जो मैंने अप्लाई किया है, और ये है लिपस्टिक जो मैं अभी लगाऊंगी, और उसका शेड इतना प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल है ये, बैंगल्स जिनको मैं अभी चेंज करूंगी, इनमें से कोई लगाऊंगी, ये वाली बड़ी प्यारी लगती है, यहाँ येलो लगाऊंगी, ये वाली, ये सारी इसमें से मैक्सिमम जो है मुझे जीनू ने गिफ्ट की हैं, मैंने खुद से नहीं ली हैं, जीनू मेरे लिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये लेके आते रहते हैं, तो फिलहाल मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ। तो लिपस्टिक भी लग चुकी है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मेकअप जो है घर का वो कैसा लगा आपको, तो
यहाँ पे ये बैंगल्स चेंज करूँ, बट ये चेंज करने का मन नहीं कर रहा। ये मैंने लिए थे करवा चौथ पे और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ये वाली, चूड़ा स्टाइल में थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज हमारे यहाँ पे मशीन आई है जिससे गेहूँ निकालते हैं, तरी क्या बोलते हैं उसको, जीनू को पता होगा, मैं जीनू से पूछ के फिर आप लोगों को बताऊँगी। और जब वो मशीन आती है ना, उससे हवा से बिल्कुल जो उसकी गेहूँ में से जो भूसा निकलता है वो सारा जो है वो उड़ जाता है। तो खिड़कियाँ दरवाजे बिल्कुल आपको बंद करके रखने पड़ते हैं। नहीं दिख रहा, मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर वो मशीन चल रही है और मैं अब वहाँ पे जाऊँगी। मैंने हेयर वॉश किया, अगर नहीं किया तो फिर मैं जाती वहाँ से शुरू करके आती, लेकिन आज हेयर वॉश किए तो फिर पूरी डस्ट जो है मेरे बालों में आ जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहती। और किचन को मैंने ना क्लीन रखने के लिए मैंने ये पुरानी बेड कवर थी इसको मैंने कट करके रख दी यहाँ पे और शेल्फ पे इस तरह से डाल दी, क्योंकि दोपहर को जैसे हमें काम करना होता है तो अगर हम ऐसे डाल दें तो ज़्यादा गंदी पड़ता। अब हम इसी बेडशीट को क्लीन कर दिया करेंगे, तो ये मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया था, तो अब हम ये सब करने वाले हैं। तो मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, मैं पूरी रेडियो किस तरह से लग रही हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। तो थोड़ा सा फेस इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कल के मैंने ना अपने आईब्रोज खुद बनाए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। मैंने कोई वैक्सिंग नहीं की, कोई रेज़र यूज़ नहीं किया और कोई मैंने थ्रेड यूज़ नहीं किया और फिर भी परफेक्ट जो आईब्रोज की शेप है वो आ गई है। और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए जल्दी से लेके आऊँगी ये वीडियो कि आप इस तरीके के आईब्रोज कैसे कर सकते हैं। फेस थोड़ा सा ना अच्छा लगना शुरू हो जाता है ऐसे ही, चाहे आप मेकअप करो चाहे नहीं करो। तो मेरा जो लंच है वो मैंने मतलब जो मसूर की दाल है खट्टी वाली, तो वो बनाएंगे हम, चूल्हे पे चढ़ा दिए, बनाएंगे नहीं बना दिए हैं। बन चुकी है, अभी देखते हैं उसको कि बनी है पूरी। फिलहाल आ गई हूँ किचन में, बालों को कर दिया बंद क्योंकि किचन में काम करते हुए आपको बालों को हमेशा बंद रखना चाहिए। तो बस अभी चावल चढ़ाने हैं, दाल बन चुकी है और दाल को जो कोयले वाला तड़का है
वो लगाना है बस, और क्योंकि उसको टमाटर प्याज का तड़का और इडली डाल के हमने पहले से ही बना लिया था, चाहे तो हम ऐसे ही खा सकते हैं या फिर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम उसमें कोयले का तड़का लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो नेल पेंट अप्लाई करना है वो करते हैं, पहले चढ़ा लेते हैं हमने चावल, जब तक चावल बनेंगे तब तक मेरा नेल पेंट भी सूख जाएगा, तो दोनों काम साथ साथ में कर लूँगी। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि उस मशीन को पता नहीं क्या बोलते हैं जो हमारे यहाँ पे आई है, तो ऐसे मुझे इंग्लिश में पता है कि उसको वीट थ्रेशिंग मशीन बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, और हमारे यहाँ डोगरी में उसको बोलते हैं कि जैसे गा गाने वाली मशीन, गा गाने आई थी मशीन। तो जो जो डोगरे होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं होंगे तो उनको हमारी आई थी सुन के, लेकिन ऐसा ही बोला जाता है। तो अभी का जो ब्लॉग है, चिनू का झूला जो है कल से हमने फोड़ के इनको दिया है, उनका मन था कि मैं झूला लूँ तो उनको देखे, क्योंकि मुझे बचपन से ही ना झूला लेने का बड़ा ज़्यादा शौक था, जहाँ पे भी थोड़ी सी भी जगह दिखती थी कि कहीं झूला लग सकता है। तो हाँ, जैसे मम्मा घर में है तो हमने घर के आगे पीछे जैसे दो छतों के बीच में ना ग्रिल जैसी लगाई है पूरी, और पूरा मतलब ग्रिल लगी है, तो ग्रिल के ऊपर आराम से झूला लग जाता, तो हम इतने ज़्यादा झूले लेते थे, इतना ज़्यादा मज़ा आता, मतलब मुझे शुरू से ही झूले लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को मेरी तरह झूले लेना पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं चिन्नू के झूले पर, हो सकता है वो कभी टूट भी जाए, लेकिन कभी कभी मैं उनके झूले पर ना झूला लेती हूँ। अभी भी चिन्नू और चिन्नू दोनों बोल रहे थे नहीं टूट जाएगा, नहीं बैठो, मैंने कॉल प्लीज़ यार एक लेने दो, और मैं बैठ जाती हूँ ज़बरदस्ती, ऐसा ना हो कि किस दिन झूला टूट ही जाए और मैं नीचे गिर जाऊँ धड़ाम से। तो मैं धीरे धीरे तब भी ले रही थी, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं ले रही थी। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और आगे फिर से लेके आएंगे आपके लिए एक नया ब्लॉग, और आपकी कोई डिमांड होगी तो ज़रूर वो भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, मैं अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूं, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मैं वो भी आप लोगों के लिए लेके आ सकूं जल्दी से। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।